भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। थाना म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ कचरा, कचरा की गाड़ी, इनसे ही पैसा खाया जाता है। हम एक कचरे का ग्राउंड नहीं बना सके? बहुत ज्यादा दिन तुम पुलिस का इस्तेमाल करके, दादागिरी करके ये नहीं चला सकते। इतने गांव वालों की जमीनें ऐसी है जो महानगर पालिका ने हड़प लिए है। लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है, ये लोग भरोसा डालने वाले भुगत रहे, फिर भी जाके वोट उधर डालेंगे। क्या करेगी पुलिस अगर हजार लोग आके रस्ते पे बैठेंगे? राजनेताओं का डर है ना, हमको लगता है हम ही मुमरावासी सिर्फ बास में रहते हैं, अपने इधर तो बास आता नहीं है। मुमरा में तो शहर में ही कचरा है, रोड पे, पर उठाया जाता है ना। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद हम सील डायघर गांव इलाके में, और आपको बता दें कि ठाणे महानगर पालिका के तरफ से जो ठाणे जिले का कचरा है वो यहाँ सील डायघर गांव में एक प्लांट है, यहाँ पर रिसाइकलिंग किया जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है पूरे शहर का कचरा यहाँ पर आता है, गीला कचरा हो, सूखा कचरा हो, वो यहाँ पर लाया जाता है गाड़ियों के ज़रिए। लेकिन अब गांव वालों की तरफ से यहाँ इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल विरोध इसलिए हो रहा है कि यहाँ से जो बदबू निकलती है वो पूरे गांव में फैल रही है, और लोगों को एक डर बना हुआ है, महामारी यानी बीमारी फैलने का भी खतरा लोगों में बना हुआ है। ख़ास तौर पर बताया जा रहा है कि आसपास में स्कूलें हैं और इसके अलावा गाँव हैं, और जो है इसको लेकर इसका जो प्लांट का विरोध चल रहा है, लोग इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आज जो कलवा मुमरा की विधायक है जितेंद्र आभाट, वो यहाँ पर विजिट किए थे, और जो अधिकारी यहाँ पर है, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर थे, उन लोगों से बातचीत की है, क्योंकि कल इस प्लांट को लेकर जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी गाँव वालों की तरफ से किया गया था। लेकिन जितेंद्र आभाट ने साफ तौर पर कहा है कि कब तक पुलिस से गाँव वालों को डराया जाएगा, और इसको लेकर उन्होंने एक और भी आरोप लगाया कि महानगर पालिका गाँव वालों की ज़मीन जो है वो हड़प रही है। ये बहुत बड़ा आरोप विधायक जितेंद्र आभाट ने लगाया है। ख़ास तौर पर कचरा जो है इशू ठाणे जिले का सबसे बड़ा इशू है, और यहाँ पर जो है कचरा डंप करने के लिए जगह नहीं, इसको लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं। शहर से कचरा उठाया नहीं जाता, उसको लेकर भी आंदोलन हो रहे हैं, और जो प्लांट इस तरह के हैं जहाँ रिसाइकलिंग किया जा रहा है कचरे का, ये देखेंगे आप यहाँ पर ये प्लांट है, और इसको लेकर भी अब आसपास के जो तमाम सील डायघर गाँव के लोग हैं वो इसको लेकर अब विरोध कर रहे हैं कि ये प्लांट जो है बंद होना चाहिए। कल इसको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, और आज विधायक जितेंद्र आभाट यहाँ पर विजिट किए, साथ ही जो नेता हैं उनको भी उन्होंने टारगेट किया, गांव वालों को भी कहा कि इतने बड़ा गांव होने की वजह से जो है यहाँ पर कुछ ही लोग पहुँचे हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं। शायद किसी का डर है, राजनेताओं का डर है या पुलिस का डर है, इस तरह के बात जो है मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक जितेंद्र आभाट ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जब यहाँ पर आए प्लांट पे गांव वालों का विरोध इसको लेकर चल रहा है, अभी आपने बातचीत की है क्या? तो ऐसा तीन गांव को इसकी तकलीफ हो रही है। जब तीन गांव को इसकी तकलीफ हो रही है तो महानगर पालिका ने कुछ ना कुछ सोचना चाहिए था ये लाने के पहले। बहुत ज़्यादा दिन तुम पुलिस का इस्तेमाल करके, दादागिरी करके ये नहीं चला सकते हो। आज नहीं तो कल गांव वालों का खून खोल के बाहर आएगा। कोई भी आंदोलन तुम ऐसे दबा नहीं सकते हो। आज आप भी आए हो यहाँ पर, कचरा देखा? आज दीवा में कचरा डंपिंग करते थे, वहाँ के कितने लोगों को ब्रोंकाइटिस और टीबी का आजार हुआ, बीमारी लगी। अभी गांव वालों की मांग ही थी बंद करने का। नहीं, बंद करने का वो सब बात होनी चाहिए,
लेकिन जो तुमने कहा था साइंटिफिक प्रोसेस और करोड़ों रुपए तुमने कॉन्ट्रैक्टर को दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है ये तो कम से कम आके देखो। गीला और सूखा कचरा करने को लेकर कहा गया था कि यहाँ पर सूखा कचरा रहेगा, गीला नहीं आएगा। अरे कुछ ऐसा कभी हुआ है क्या? तुम्हारे पास खुद के एरिया, एक एरिया ऐसा बड़ा होना चाहिए जहाँ पे तुम खुद कचरा लो, उसको सेग्रीगेशन करो, गीला गीले की तरफ डालो, सूखा सूखे की तरफ डालो। ठीक है, गाँव वाले की जिम्मेदारी है क्या? अच्छा, कितने गाँव वालों की ज़मीनें ऐसी है जो महानगर पालिका ने हड़प ली है, आज भी सात बारह उनके ही नाम पे है, तो महानगर पालिका दादागिरी करके कब्जा कर रही है, ये कोई बात है क्या? ये प्लान जहाँ पर लगा है भी बताया यार, किसी का सात बारह है क्या? मैं सात बारह लेके ही आया हूँ। किसके नाम पे? नाव संग इसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं, एक्विजिशन की नोटिस नहीं, एक्विजिशन का प्रोसीजर नहीं, ये सिर्फ पुलिस को हाथ में पकड़ने का और दबा के डाल देने का। आपने किसी मनपा अधिकारी से जो है बात? मनपा अधिकारी बेशरम है, उनको कोई शर्म भी नहीं है। जब ये हो रहा था तब हमने कहा था कि ऐसा कभी हुआ है क्या? जो मॉडल तुम दिखा रहे हो वो मॉडल कभी चल सकता है क्या? उमरा म्युनिसिपैलिटी में, अपना थाना म्युनिसिपैलिटी में सिर्फ कचरा, कचरा की गाड़ी, इनसे ही पैसा खाया जाता है। कचरे का पैसा उनको बहुत प्यारा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कचरे की गाड़ियाँ उनकी कुछ ट्रिप वगैरह जो है चल रहा है। वो ऐसा है कि पहले था उसी सीसी तलाव, क्या पीसी तलाव, सीपी तलाव, उधर से गाड़ियाँ निकलती थी, दीवा में आके डंपिंग करती थी, भंडारली में डंपिंग करती थी, उसमें रिक्शा का भी नंबर था। और फिर वही कचरा उठा के फिर से उधर डाल देती थी। क्या मतलब? मुझे याद है विधानसभा में रामदास कदम ने यह कहा था कि तुम्हारी कचरे की हालात जो है उसको सुधारो, नहीं तो गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर केस लेना पड़ेगा, हमने नोटिस दी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी थाना महानगर पालिका को नोटिस दी है। आज 40 साल हुए शिवसेना को सत्ता में आके, 35 साल हुए, हम ये कचरे का ग्राउंड नहीं बना सके, हम एक पानी का स्तोत्र नहीं बना सके कि हम पानी दे सके 24 घंटा। हम चुन के आते हैं, हम चुन के आते हैं, लोगों का हमारे ऊपर भरोसा है, ये लोग भरोसा डालने वाले भुगत रहे, फिर भी जाके वोट उधर डालेंगे। पूछो कभी आया क्या कोई नेता इधर देखने के लिए हालात? फिर भी पूछो, वोट सबके उधर ही जाएंगे। मैं ऐसा उंगली दिखा के बोल रहा हूँ, सबके वोट उधर ही जाएंगे, क्योंकि लोगों को लड़ने की आदत ही नहीं है। जो जुनून जो चाहिए ना लड़ने का, कि मुझे लड़ाई लड़नी ही है, वो ही हम हार चुके हैं, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखो, महानगर पालिका के ऊपर ये सब आधारित है। अगर ये लोग चाहेंगे तो 24 घंटे में ये बंद सब हो सकता है। क्या करेगी पुलिस अगर 1000 लोग आके रास्ते पे बैठेंगे, दो दिन की छुट्टी निकाल के 1000 लोग, बच्चे बच्चियां सब आके बैठेंगे और एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे, तो क्या उनके ऊपर से जाएगी क्या? पर सवाल यह है कि तुमको लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी। जितेंद्र आवाड़ एक बार आएगा, जीवंतेंद्र आवाड़ दो बार आएगा, जितेंद्र आवाड़ 100 बार आएगा, लेकिन 101 बार तो तुमको ले खड़े रहने पड़ेगा ना। आज इतने बच्चे आए हैं गाँव में, क्या सिर्फ इतने बच्चे हैं? तीन गांव मिलके इतने ही बच्चे हैं। क्या वजह है आखिर ना? डरते हैं बेचारे, पुलिस कुछ भी केस डाल देते हैं, पुलिस के मार से डरते हैं। पुलिस के ही डर है या फिर और राजनेताओं का भी डर? राजनेताओं का डर है ना, राजनेता बुला बुला के दादागिरी करते हैं। और ऐसे दादागिरी और डर से अगर तुम इधर, तीन गांव है,
इधर दो स्कूल है, वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कौन सी आशा से किसी ने गरीब ने घर किया होगा कि हरियाली है, मस्त हवा आएगी, चलो घर लेते हैं। अब क्या लेगा सर? इसी तरह से मुमरा का भाई इशू है, रोड पे कचरा डाला जा रहा है, उसको लेकर भी आपसे लोग उम्मीदें लगाएं कुछ का? मेरे से उम्मीदें लगाए हैं? आज तक कचरा निकलता था, लेकिन अभी एक टेंडर रुका हुआ है, वो टेंडर हो जाएगा, होने के बाद मुमरा का भी कचरा उठाया जाएगा। बात ये नहीं है, बात तुम लोग सिर्फ मुमरा मत करो, ये बांस है ना, बांस और कचरा, ये पूरे ठाणे शहर की समस्या है, कलवा की समस्या है। आपने देखा क्या मेरा वीडियो में कलवा के खाड़ी में घुस के उनको पकड़ा था कि देखो कचरा इधर गिर रहा है। हमको लगता है हम ही मुमरावासी सिर्फ बांस में रहते हैं, अपने इधर तो बांस आता नहीं है। इधर देखो क्या हालात है, सामने गांव है, सामने मंदिर है, मुमरा में तो शहर में ही कचरा है रोड पे, पर उठाया जाता है ना, दो दिन में एक दिन में उठाया जाता है ना। लेकिन सर उठाने में काफी देरी हो जाती है, कभी एक बज जाता कभी दो बज जाता। अरे उठाया जाता है ना, उठाया जाता है, ये काफी है ना अपने लिए, ये ऐसे हालात अपने होते तो। ये कोई मुमरा दीवा ये दहीसर ये ऐसा लड़ाई नहीं है, लड़ाई प्रदूषण की है और वो पूरे ठाणे शहर की है। जब मुलुंड में कचरा डाला जाता था तब कोपरी में कितना बास आता था आपको मालूम नहीं है? पूरे ठाणे शहर में रात को एक बजे के बाद इतनी बदबू आती थी कि एक दिन मैंने खुद गाड़ी चला करके मुलुंड के कचरे की ट्रक मुंबई महानगर पालिका के तक लेके गया और उधर मुंबई महानगर पालिका के दरवाजे पे डाउनलोड कर दिया। आंदोलन करने की हमारे में है खुजली, पर उसको साथ भी मिलना चाहिए ना। एक दिन अंदर था जेल में, मैंने तो जज से खुद कहा था कि इनका जो टाइम लिमिट है कचरे का वो ख़त्म हो चुका है, फिर भी कचरा डाल रहे। जब तक ये कचरा रोकोगे नहीं तब तक मैं जामीन नहीं लूँगा। मुमरा बहुत साफ़ सुथरा है भाई, देखो ये हालात देखो जरा। सर प्लांट चालू करना चाह रहे हैं?